हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में, ऐसे टॉप थ्री सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि एक एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, या जो भी जिम जाता हो, या नॉर्मल इंसान भी हो, उसके लिए ये सप्लीमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर ये आप लोग बिगनर हो और जिम जाते हो, या एथलीट हो, अगर आप लोग सप्लीमेंट खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो ये तीन सप्लीमेंट आपके सप्लीमेंट स्टैक में ज़रूर होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। इससे ये होगा कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आप तक पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं आप लोगों को मैसेज कर इतना जरूर दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइस, हमारे सप्लीमेंट स्टैक में जो पहला सप्लीमेंट होने वाला है वो होने वाला है वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन का आपको बेनिफिट बताऊं तो वे प्रोटीन आपको हेल्प करता है आपके जो भी मसल, जब आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, जो भी आपका मसल में फटीक आता है, जो भी आपका मसल ब्रेकडाउन होता है, उसको ये रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। साथ साथ प्रोटीन चिकन, एग्स, ब्रोकली, पनीर, इन सब में भी मिल सकता है। लेकिन आपको वे प्रोटीन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपको जो भी आपकी बॉडी को एसेंशियल्स, अमीनो एसिड की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें मिल जाता है आपको। इसमें BCAA, EAA, ग्लूटामाइन वगैरह जैसे सारे सप्लीमेंट मिल जाते हैं। और साथ ही साथ एक स्कूप में आपको 25 से 27 ग्राम के बीच में प्रोटीन मिल जाता है। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना मैं किसी ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आप कौन सा वे प्रोटीन लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड। चल में आते हो तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आप तो लो। और साथ साथ जो भी इसके न्यूट्रिशंस वैल्यू है, जो भी इस प्रोटीन के अंदर है, वो सब यहाँ डिस्प्ले पे आपको शो हो रहे होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद समझदार बनिए, देखिए क्या सही है क्या गलत है। गाइस, हमारी सप्लीमेंट स्टैक में जो सेकंड सप्लीमेंट होने वाला है वो होने वाला है क्रिएटिन। अब क्रिएटिन क्यों, क्रिएटिन क्या हेल्प करता है, क्रिएटिन से तो किडनी डैमेज हो जाती है, बहुत सारे मिथ हैं क्रिएटिन को लेके। तो गाइस, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी 1.5 साल से क्रिएटिन ले रहा हूँ, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आई है सामने कि जो किडनी को हो या मेरी हेल्थ के ऊपर हो। तो गाइस, अब बेसिकली क्रिएटिन करता क्या है, क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन हाँ, क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है लेकिन आपके मसल में करता है, जो कि आपके मसल को बड़ा, मसल साइज़ को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है, आपके मसल को बड़ा शो करता है। अब अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो क्रिएटिन के साथ साथ आपको पानी पीना ज़रूर ज़रूरी है। अगर आप लोग 4 से 5 लीटर पानी नहीं पीते तो क्या होता है, क्या हमारी किडनी फेल हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बस ये है कि क्रिएटिन आपके वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। सो क्रिएटिन बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, ये आपके साथ साथ साइज, स्ट्रेंथ, आपकी परफॉर्मेंस सबको इंक्रीज कर देता है। सो क्रिएटिन इज द बेस्ट सप्लीमेंट। अब बात आती है कौन सा ब्रांड लें। तो गाइस, जैसा कि आप लोग बता चुका हूँ कि मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ब्रांड आप आपके हिसाब से भी ले सकते हैं, जो आपका बजट हो उस हिसाब से। हाँ, मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि क्रिएटिन आप कोई सा भी लें, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होना चाहिए। सो गाइस, हमारे सप्लीमेंट स्टैक में जो थर्ड सप्लीमेंट होने वाला है वो होने वाला है मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन के अब से ही समझिए, दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप फैट, कार्ब, प्रोटीन से ले सकते हैं, लेकिन माइक्रो का क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको लेना पड़ेगा विटामिन, क्योंकि विटामिन देखिए आपके स्किन, हेयर, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, आँखों के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, ए ज़रूरी है, ये सब कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए साथ साथ आपके फैट, कार्ब, प्रोटीन के साथ साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी है, जो कि विटामिन के फॉर्म में आते हैं। तो ये आपको मल्टी विटामिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके इनर ऑर्गन्स को हेल्प करती है। आप बाहर से तो अच्छे दिखोगे लेकिन अंदर से ख़राब क्यों? इसलिए कोशिश करें मल्टी विटामिन भी ज़रूर रखें आपके सप्लीमेंट स्टैक में। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।